गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पवन कुमार कक्षा 4 के बच्चों के लिए संस्कृत विषय का तीसरा पाठ आदर्श बालक लेकर आया हूँ, जिसका अध्ययन आप लोग करेंगे। पढ़िए, आदर्श बालक सदा सूर्योदयात् पूर्वं सायं त्यजति। आदर्श माने श्रेष्ठ, अच्छा, गुड। बालक माने बालक, सदा हमेशा, सूर्योदयात सूर्योदय से पहले, सयाम सैया को, त्यजत माने छोड़ देता है। अच्छा बालक सदैव सूर्योदय से पहले बिस्तर को छोड़ देता है। सयनात उठाए, बिस्तर से उठाए माने उठकर, बिस्तर से उठकर। मातुः माता के, चा माने और पितुः माने पिता के। चरणयोः चरणों में, प्रणामम प्रणाम करोति माने करता है। बिस्तर से उठकर माता और पिता के चरणों में प्रणाम करता है। तदा माने तब, सह माने वह, प्रातः काले सुबह के समय, भ्रमणाय घूमने के लिए, उद्यान माने बगीचे को, गच्छति माने जाता है। तब वह प्रातः काल घूमने के लिए बगीचे को जाता है। तत्र माने वहां, उद्याने माने बगीचे में, निज माने अपने, मित्रैः माने मित्रों के, सह माने साथ, क्रीडति खेलता, चा माने और, व्यायामम व्यायाम करोत माने करता है। वहां बगीचे में अपने मित्रों के साथ खेलता और व्यायाम करता है। अगला पैराग्राफ, तदा माने तब या इसके बाद, उद्यानात बगीचे से, गृहम माने घर, आगत माने आकर, स्नानाय स्नान करने के लिए, स्नानागारम गच्छते स्नानागार या स्नान गृह को जाता है। बगीचे से घर आकर स्नान करने के लिए वह स्नान गृह को जाता है। स्नानात पूर्वम स्नान करने से पहले, दंत धावनम करोति दांत साफ करता है। शीतलेन जलेन ठंडे जल से, नेत्र मुखम च प्रक्षालयति आंख और मुंह, प्रक्षालयत माने धोता है, शीतल जल से आंख और मुंह को धोता है। शरीरे तैल मर्दनम करोति, शरीरे माने शरीर पर, तैल मर्दनम तैल की मालिश, मर्दनम माने मालिश, करोति माने करता है, शरीर पर तेल की मालिश करता है। स्नानम कृत्वा स्नान करके, स्वच्छान वस्त्राणि धारयति, स्नान करके साफ कपड़े धारण करता है। अगला पैराग्राफ, आदर्श बालकः स्नानम कृत्वा अल्पाहारम करोति, अच्छा बालक श्रेष्ठ बालक स्नानम कृत्वा स्नान करके अल्पाहारम माने नाश्ता करोति माने करता है। अच्छा बालक स्नान करके नाश्ता करता है। दुग्धं पिबत फलानि च खादति, दूध पीता है, चा माने और फलान माने फल, खादत माने खाता है, दूध पीता और फल खाता है। तदा माने तब, सह माने वह, पुस्तकानि पुस्तकें, आदाय माने लेकर, विद्यालय माने विद्यालय को, गंतुम माने जाने के लिए, उद्यतः माने तैयार, भवति माने होता है। तब वह पुस्तकें लेकर विद्यालय को जाने के लिए तैयार होता है। सह माने वह, प्रतिदिन माने प्रतिदिन, समयात समय से, किंचित माने कुछ, पूर्वम एव पहले ही, वह समय से कुछ पहले ही विद्यालय माने विद्यालय को, आगच्छति माने आता है। वह प्रतिदिन समय से कुछ पहले ही विद्यालय आ जाता है। कदापि चिरम न करोति, कभी भी देर नहीं करता है। सह माने वह,
अध्यापकान गुरुजनों को प्रणमति प्रणाम करता है, वह गुरुजनों को प्रणाम करता है। सह पाचि भी, सह मधुरम भासते, सह पाचि भी माने साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ, सह पाठियों के समान साथ मधुरम भासते, मधुरता पूर्वक बोलता है, अच्छे से बोलता है। सदा माने सदैव, सत्यम वदति और सदा सत्य बोलता है। केनापि सह किसी के भी साथ कलहम न करोति लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। यदा माने जब, अध्यापक माने अध्यापक, कक्षायाम अध्यापयति जब अध्यापक कक्षा में, अध्यापयति माने पढ़ाते हैं, जब अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं, तदा माने तब, सह माने वह, ध्यान माने ध्यान पूर्वक, तब वह ध्यान पूर्वक पुस्तकम पठति पुस्तक पढ़ता है, पाठम च स्मरति और पाठ को याद करता है। जब अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है तब वह ध्यान पूर्वक पुस्तक पढ़ता और पाठ को याद करता है। सह गृह कार्यम प्रतिदिनम करोति वह गृह कार्य प्रतिदिन करता है। विद्यालयस्य विद्यालय के, सर्वेषु माने सभी, क्रीडादिका कार्येषु खेल आदि कार्यक्रमों में सम्मिलितः भवति शामिल होता है। विद्यालय के सभी खेल आदि कार्यक्रमों में शामिल होता है। आदर्शः बालकः सर्वेषां प्रियः भवति आदर्श अच्छा श्रेष्ठ बालक माने बालक सर्वेषां माने सभी का प्रिय माने प्रिय भवति माने होता है। श्रेष्ठ बालक अच्छा बालक सभी का प्रिय होता है। धन्यवाद।